हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया लोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। दिस इज सी आदित्य शर्मा फ्रॉम एडनोवेट। आज अपन लोग क्या करने वाले? सर, अपना एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, अब अपने को कैटेगरी ए स्टैंडर्ड चालू करने चाहिए, बराबर ना? तो मैं बता दूं, बिफोर इवन स्टार्टिंग, अपने बहुत सारे स्टैंडर्ड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो फटाफट से एडनोवेट यूट्यूब चैनल पे जाके बिंज वॉच कर लो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने जो किया था AS18, उसके अंदर, बराबर ना? चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैटेगरी ए स्टैंडर्ड एंड वी आर स्टार्टिंग इन 3, 2, 1, स्टार्ट। अब सुनना, AS19 जो स्टैंडर्ड है ना, दिस स्टैंडर्ड इज अ कैटेगरी ए स्टैंडर्ड। क्वेश्चन टाइप जो है ना, वो प्रैक्टिकल है, एग्जाम में आता ही आता है, ऐसा पकड़ के जाने का। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको क्लास में बताया था कि लीज जो होता है ना, वो होता है दो तरीके का, एक होता है फाइनेंस लीज, एक होता है ऑपरेटिंग लीज। सर, पता कैसे चलेगा कि फाइनेंस लीज का ऑपरेटिंग लीज है? मैंने आपको सिखाया था कि देखो, पांच कंडीशन चेक करने का, पांच में से कोई भी एक सेटिस्फाई हुआ तो फाइनेंस लीज है, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। पॉइंट नंबर वन क्या था अगर आपको याद है? ओनरशिप। पॉइंट नंबर टू क्या था? बार्गेन परचेज, मतलब लेसे के पास एक ऑप्शन होता है कि वो सस्ते में असेट खरीद पाए करके, बराबर। पॉइंट नंबर थ्री क्या था? मेजर पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ असेट, मतलब असेट अपने सामने वाले को दिया और उसने मेजर पार्ट ऑफ लाइफ के लिए यूज किया। सर, मेजर पार्ट मतलब कितना मेजर पार्ट? मोर देन इक्वल टू 75%। अरे आपको याद है ना कि असेट का लाइफ 10 साल है, उसने 7.5 साल का यूज किया फाइनेंस लीज। अच्छा, पॉइंट नंबर फोर क्या था? स्पेशलाइज नेचर, मतलब असेट जो है ना वो स्पेशलाइज नेचर, खाली उसको लेसे ही यूज कर सकता है, लेसर को यूज करना है तो मेजर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर फोर क्या था? पीवी ऑफ मिनिमम लीज रेंटल सब्सटेंशियली कवर्स द फेयर वैल्यू। आपने उससे इतना लीज रेंटल चार्ज किया, जब आप उसका पीवी निकालोगे, इट इज सब्सटेंशियली कवरिंग द फेयर वैल्यू। सर, सब्सटेंशियल मतलब कितना? मोर देन इक्वल टू 90%। अच्छा, पांच में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई तो फाइनेंस लीज, अदरवाइज क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑपरेटिंग लीज। अरे आपको समझ रहा है क्या? अगर फाइनेंस लीज हुआ तो उसका अकाउंटिंग आपको ऐसे करना पड़ेगा। अपन बोलेंगे देख, ये सारे टर्म्स आपको याद करना पड़ेगा। मैंने बोला था देख, ये वाला जो टर्म्स है ना, लास्ट वाला, इसको आप काट देना। आपको याद है कि मैंने आपको एग्जाम क्लास में सिखाया भी है, बराबर। मैंने बोला था देख, रेसिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू GRV प्लस UGRV। अगर आप फाइनेंस लीज हो तो अकाउंट, अगर आपका फाइनेंस लीज बनता है तो आपको अकाउंटिंग ऐसा करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने बोला देख, मिनिमम लीज पेमेंट लेसर पॉइंट ऑफ व्यू तो लेसी पॉइंट ऑफ व्यू इज नथिंग बट लीज रेंट प्लस GRV। फिर मैंने बोला रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है? इट इज नथिंग बट GRV प्लस UGRV। अरे याद है क्या मैंने बोला था? ये वाला पॉइंट आपके काम का नहीं है, पॉइंट नंबर थ्री। अरे डू यू रिमेंबर दैट? ये वाला पॉइंट बिल्कुल आपके काम का नहीं था। मैंने बोला था बेटा अपने को ये वाला पॉइंट करना है, ये वाला, बराबर ना? रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है? GRV प्लस UGRV। अच्छा, उसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन नथिंग बट लीज रेंट प्लस GRV प्लस UGRV। अच्छा, यहाँ पे अपन टाइम वाले मनी को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पीवी ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अरे समझ रहा है, दैट इज पीवी ऑफ लीज रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV। उसके बाद है उफी, अरे फूफी नहीं, उफी, अर्न फाइनेंस इनकम इज नथिंग बट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, खत्म। फिर मैंने क्या बोला था? अकाउंटिंग एंट्रीज मारते हैं किसके लिए? अपन फाइनेंस लीज के लिए। लेसर की बुक्स में, लेसी की बुक्स में, पहला लेसी की बुक मारने का, लेसरी, लेसी के पास असेट जाता है तो एंट्री होता है लीज असेट अकाउंटेबल टू लीज पेएबल। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, देन लेसी को ना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बिकॉज बुक्स में लीज पेएबल रिकॉर्ड हो जाता है, तो अपन बोलते हैं इंटरेस्ट अकाउंटेबल टू लीज पेएबल बिकॉज इंटरेस्ट टू बैंक मत करना, अपन सिर्फ इंटरेस्ट पे नहीं करते, यू पे विद प्रिंसिपल, सो इंटरेस्ट टू लीज पेएबल। यहां पे क्या आ जाएगा? लीज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट। फिर यहां पे अपन क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, लीज पेएबल अकाउंटेबल टू बैंक, वी पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अरे याद आ रहा है क्या यहां पे तुमको, बराबर कि नहीं? यहां पे क्या हो जाएगा? उल्टा है, बैंक टू लीज रिसीवेबल। अच्छा, यहां पे असेट लेसी के पास है तो डेप्रिसिएशन लेसी चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंटेबल टू लीज असेट, यहां पे नॉट एप्लीकेबल। यहां पे फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पेमेंट ट्रांसफर करो, यहां पे इंटरेस्ट टू पेमेंट कर देना। अरे समझ रहे क्या? यहां पे नॉट एप्लीकेबल क्यों आएगा? अरे डेप्रिसिएशन जो है, मेरे को एक बात बताओ, करे कौन चार्ज करेगा? लेसी चार्ज करेगा ना। अरे डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? लेसी चार्ज करेगा, तो सीधी बात है लेसर की बुक्स में डेप्रिसिएशन आएगा नहीं। अरे तुमको समझ रहा है कि नहीं? डन, खत्म खत्म खत्म। फिर इसके लिए ना मैंने तुमको एक बात सिखाई थी, मैंने बताया बेटा देख कौन से सम करके जाना, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला करके जाना, मास्टर क्वेश्चन है। अरे तुमको समझ रहा है क्या? यहाँ पे अपने को एक बात याद रखनी है कि जब तुम इंटरेस्ट का टेबल बनाओगे, इंटरेस्ट का टेबल करके, बराबर ना, ये देखो ये जो बुक है ना करके आपको मिल जाएगा AS18 जो स्टैंडर्ड एडमिट के साल में, उसमें नीचे नोट्स है, इसमें ना आपको एक चीज, तो ये वाला क्वेश्चन भी है उसमें, बराबर। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी, ये वाले क्वेश्चन में खास बात कि जब आप इंटरेस्ट का टेबल बनाओगे लेसर लेसी के लिए, वो अलग अलग बनेगा, बराबर। क्योंकि मैंने आपको ये भी सिखाया है कि इंटरेस्ट का टेबल वो अमाउंट से स्टार्ट होता है जो उनका ओपनिंग अमाउंट होता है। लेसर की बुक्स में ओपनिंग अमाउंट अलग होता है, लेसी की बुक में ओपनिंग अमाउंट अलग होता है। अरे याद आ रहा है क्या? सर, ओपनिंग अमाउंट कैसा आएगा? ये देखो, ये जो आपका फर्स्ट जर्नल एंट्री है लेसी की बुक्स में, ये आता है एट लोअर ऑफ पीवी ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कितने पे आता है? नेट इन्वेस्टमेंट। सीधी बात है, ओपनिंग अमाउंट अलग है, इंटरेस्ट अलग आएगा। अरे तुमको समझ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलूँ? डन। तो ये क्वेश्चन करके जाना, फिर एक तुम ना बाकी सारा नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, एक ये वाला क्वेश्चन करके जाना, क्वेश्चन नंबर फोर, ये इंपॉर्टेंट है, बराबर। सर, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें ना, इसमें अगर आपको याद है करके, मैं क्या करता हूँ, मेरा असेट जो है सामने वाले को लीज पे देता हूँ करके, पता ही नहीं होता कौन सा लीज है, फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग है, तो पांच कंडीशन चेक करना पड़ता है करके, बराबर। अच्छा, तो अगर आपको याद होगा, इसमें 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 पांच कंडीशन चेक करोगे ना, तो इसमें पॉइंट नंबर वन ओनरशिप मीट ही नहीं होता क्योंकि असेट मेरे पास है। पॉइंट नंबर टू बार्गेन परचेस मीट ही नहीं होता बिकॉज असेट मेरे पास है। मेजर भी मीट नहीं होता बिकॉज इसमें ना असेट का जो लाइफ अगर आपको पता है करके, कितना है पता है? 5 साल है, मैंने 3 साल के लीज पे दिया करके, अरे बराबर, तो 60% हो रहा है करके, मीट नहीं हो रहा, स्पेशल नेचर मीट नहीं हो रहा, दिया ही नहीं।
पॉइंट नंबर फोर क्या था, पीवीएफ मिनिमम लीज पेमेंट सब्सटेंशियली कवर्स द फेयर वैल्यू, लीज पेमेंट है ही नहीं। तो पहले ना अपने को क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था कि एट आईआरआर पीवीएफ आउटफ्लो इज इक्वल टू पीवीएफ इनफ्लो, जो भी आपके इक्विपमेंट का कॉस्ट है उसको आउटफ्लो रख लो, इनफ्लोस मैं लेसर हूं, मेरे लिए इनफ्लोस क्या हो जाएगा ग्रॉस, मेरे लिए इनफ्लोस क्या हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दैट इज लीज रेंट प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, सबको ले लो। अरे तुमको समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, लीज रेंट में दिया नहीं तो उसको एक्स देना पड़ेगा, अरे तुमको समझ रहा है, तो एक्स इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी, जितने भी साल के लिए आपको लीज पे देना चाहते हो, तीन साल की लीज पे देना चाहते हो, तीन साल के प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटीज मल्टीप्लाई करो, प्लस जीआरवी है नहीं, यूजीआरवी इनटू लास्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर ले लो, आपको मिल जाएगा आपका लीज रेंटल, देन कंडीशन चेक करेंगे, देन डिटरमाइन किया था फाइनेंस चीज है, एंड देन लास्ट टॉपिक क्या निकलना था उफी, अरे याद आ रहा है मैं क्या बोलो, डन। फिर इसमें एक और क्वेश्चन करके जाना तुम लोग, कौन सा वाला बता दो बता दो, रुको रुको रुको, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन नंबर फोर। सर इसमें क्या था, इसमें अगर आपको याद होगा मैंने एक बात आपको सिखाई थी कि देखो इसमें ना जीआरवी जो है ना, जीआरवी वो 22,000 है बराबर, लेकिन आपका जो आरवी है ना वो 15,000 है, तो यूजीआरवी को ना मेहरबानी करके नेगेटिव 7,000 मत लेना, ऐसा बोलना वो है ही नहीं, और ये रेसिडुअल वैल्यू जो है ना इक्वल टू जीआरवी हो जाएगा विच इज नथिंग बट 22,000। अरे याद आ रहा है, बाकी संपूर्ण का पूरा नॉर्मल है, डू यू गेट दिस, खत्म 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 खत्म। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोलूं, देखो अब आए थे अपन ऑपरेटिंग लीज पे, अच्छा ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, जो फाइनेंस लीज नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज है, तुमको समझ रहा है, अच्छा ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग कैसे करने का मैंने सिखाया था तुमको, ऑपरेटिंग लीज में अकाउंटिंग होता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस अनलेस अनदर सिस्टमैटिक बेसिस मोर रिप्रेजेंटेटिव करके, बराबर, मतलब ना लेसर और लेसी दोनों सेम लीज रेंट बुक करते हैं, लेकिन अगर कोई और सिस्टमैटिक बेसिस है तो उस बेसिस पे करेंगे। इसको समझाने के लिए एक कल्ट क्लासिक क्वेश्चन करके जाना जो तुम्हारे होमवर्क सेक्शन में दिया हुआ है, कौन सा सर देखो बताता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है करके, अरे याद आ रहा है क्या तुमको, याद आ रहा है क्या मैंने क्या बोला था इसमें, देखो बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है, मैंने बोला देख मैं एक लेसर हूं, मेरे को 1,50,000 प्लस 30% रिकवर करना है, मतलब बेसिकली मेरे को कितना रिकवर करना होता है 1,95,000, अब 1,95,000 मुझे कितने साल में रिकवर करना है, 5 साल को तो लाइफ, लेकिन मैं 3 साल में रिकवर करूंगा, सो 1,95,000 आई वॉन्ट टू रिकवर इन 5 years, तो 3 साल में कितना आएगा, ऐसा मत करना 5 साल की जगह 5 साल का यूनिट आ जाएगा, अरे तुमको याद आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 साल की जगह 3 साल का यूनिट आ जाएगा, अरे तुमको समझा क्या मैंने क्या बोला, 5 साल का यूनिट 3 लाख, 3 साल का यूनिट 1,50,000 करके, अरे तुमको समझा क्या, जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुमको ऑटोमेटिकली आंसर कितना आ जाएगा 97,500, दिस इज फॉर 3 years। अच्छा बोला था इक्वल एनुअल लीज रेंट बताओ, इक्वल एनुअल लीज रेंट, तो मैंने क्या कर दिया डिवाइड बाय 3, अरे तुमको समझा क्या, पॉइंट नंबर 2 क्या था, लीज रेंट इनकम, अच्छा लीज रेंट इनकम देखो सामने वाला 97,500 देगा तो मेरे को 97,500 क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा, अरे तुमको समझ रहा है, अब डिवाइड बाय 3 मत कर देना, यहाँ पे इन द रेशियो ऑफ आउटपुट करूंगा, अरे याद आया क्या, एंड पॉइंट नंबर 3 डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन बोला स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट, अच्छा डेप्रिसिएशन रिकवरी ऑफ कॉस्ट नॉट रिकवरी ऑफ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ पे 1,50,000 प्लस 30% में कर देना, खाली 1,50,000 करना, बोलेंगे देख 1,50,000 मेरे को रिकवर करना है 3 लाख यूनिट्स, सो 1,50,000 यूनिट्स अगर मैं रखूंगा तो कितना आएगा, अच्छा 3 लाख यूनिट्स फॉर 5 years, 1,50,000 फॉर 3 years करके, अरे याद आया क्या, तो अप्रॉक्सिमेटली अपने को आना चाहिए जो भी आपका अमाउंट आएगा करके, आपको आपको क्या करना है उसको, आपको इन द रेशियो ऑफ, उसको क्या करना है इन द रेशियो ऑफ, आप क्या करोगे यूनिट्स कर दोगे करके, अरे तुमको समझा कि मैंने क्या बोला, जो भी आपका अमाउंट आएगा करके, आई थिंक इट इज 95,000 आपका आना चाहिए करके, 75,000 आना चाहिए, 75,000 को इन द रेशियो ऑफ यूनिट्स बांट देना, आपका डेप्रिसिएशन पर आना आ जाएगा, डन। ये वाला क्वेश्चन मैं अपने क्लास में किया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हाँ अभी एक बाकी है, कौन सा पता है, ये वाला सेल एंड लीज बैक, अच्छा सेल एंड लीज मतलब क्या होता है, मैंने अपना असेट बेचा, सेम असेट मैं क्या कर लूंगा भाड़े पे ले लूंगा, उसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक, अरे तुम्हें समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने अपना असेट क्या किया सेल किया, और सेम असेट मैंने क्या कर दिया भाड़े पे ले लिया करके, अब सवाल आता है भाड़े पे ले लिया वो ठीक है सर, भाड़े पे ले लिया वो क्या है ठीक है सर, लेकिन सर भाड़े पे मतलब कौन सा भाड़े पे, बिकॉज दो तरीके का लीज होता है ना सर, एक होता है आपका फाइनेंस लीज, एक होता है आपका ऑपरेटिंग लीज, अरे तुमको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ करके, अब सुनना, तो मैंने बोला देख ये वाला ना अपने काम का नहीं है, ये वाला अपने काम का ही करके, इसमें ना बहुत सारे केसेस बनते हैं, केस नंबर 1 क्या था कि भैया अगर सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू तो प्रॉफिट लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो, सेल प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू तो नॉर्मल प्रॉफिट गोस टू पीएनएल, एक्सेस प्रॉफिट डिफर कर दो, एंड सेल प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू इसमें भी अगर प्रॉफिट है तो उसको इमीडिएटली बुक कर लो, लॉस को भी इमीडिएटली बुक कर लो, लेकिन जानबूझ के लॉस किया है ताकि फ्यूचर का लीज रेंट कम आ जाए तो उसको कर दो डिफर कर दो खत्म, अरे याद आ रहा है मैंने क्या बोला, डन। देन ये समझने के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना करके, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये करके जाना, इसका सलूशन है उस नोटबुक में जिसकी बात कर रहा हूं मैं, इधर इधर इधर, अरे तुमको समझ रहेगा, इधर 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 दिख रहेगा, दिख रहेगा, अरे दिख रहेगा, दिख रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, डन ठीक है। तो अभी 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 यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस नहीं दिया है तो ऊपर जो सेलिंग प्राइस है 50 लाख उसको आपको ले लेना है, खत्म, डू यू गेट दिस, डन। लीज में आप इतना ही करके चले जाना, खत्म। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये देखो आरटीपी चेक करते हैं, आरटीपी में क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ दिया हुआ है, तुम्हारा भाई बोला दिया हुआ है तो दिया हुआ है, ये देखो क्या बोला, देखो ध्यान से सुनना,
अरे दिख रहा है क्या, ये देखो, बोलता है सूरज लिमिटेड ना, सूरज लिमिटेड मशीन लेने जा रहा है करके। मशीन का लाइफ 14 ईयर्स है, बट उसने 3 साल के लीज पे लिया। 14 साल का लाइफ है लेकिन भाई साहब ने 3 साल के लीज पे लिया है। अग्रीमेंट में एंटर किया है लीज रेंट मिलेगा 3 लाख पर एनम एंड IRR 15% दिया हुआ है। चीफ अकाउंटेंट बोलता है मेरे को लीज रेंटल का ट्रीटमेंट क्या है समझ नहीं आ रहा है। अरे लीज रेंटल का ट्रीटमेंट तो तू तब समझेगा ना जब तेरे को ये पता चलेगा कि फाइनेंस चीज़ें का ऑपरेटिंग चेक करना पड़ेगा। पहला ओनरशिप जा रहा है क्या, ओनरशिप नहीं। दूसरा बार्गेन परचेज जा रहा है क्या, ओनरशिप नहीं। अरे ओनरशिप जाएगा तभी तो बार्गेन परचेज करोगे, बराबर। पॉइंट नंबर 3 मेजर पार्ट। अरे भैया सुन मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोला सुन मेरी बात, 14 साल का लाइफ है लेकिन आप 3 साल का ले रहे हो, डेफिनेटली मेजर पार्ट नहीं है। पॉइंट नंबर 5 स्पेशल नेचर दिया है क्या, नहीं। तब क्या चेक करना पड़ेगा, पीवी ऑफ लीज रेंटल सब्सटेंशियली कवर्स द फेयर वैल्यू, मतलब लीज रेंटल का पीवी निकालो बराबर, इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 90% ऑफ द फेयर वैल्यू। तो देखो इधर सॉल्यूशन, अगर मैं आपको चेक करूं ना, देखो बाजू में, देखो ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुनने का, ये देखो मस्त बाजू बाजू रखा है मैंने, बाजू बाजू में ताकि मजा आ जावे। गाना क्या करो, एग्जाम है तुम्हारा, पढ़ाई करो नॉनसेंस। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोलो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, मैंने बोला देख भाई बात एकदम सिंपल है करके कि आपने ना क्या क्या पता है पीवी निकाला, ठीक है। तो आपका पीवी आया कितना पता है, 3.684 लाख करके। अब 6.84 लाख डिवाइड बाय 30 लाख करोगे, इट इज डेफिनेटली नॉट मोर देन इक्वल टू 90%। तो पॉइंट नंबर 4 भी चौकड़ी हो रहा है, दैट इज वाई लीज इज ऑपरेटिंग लीज। तो आपको ये बताना है कि देखो भाई, देखो उसमें लिखा भी है करके, लीज अग्रीमेंट इज ऑपरेटिंग लीज, और आपको क्या करना है, लीज पेमेंट्स अंडर ऑपरेटिंग लीज शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस अनलेस अनदर सिस्टमैटिक बेसिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव। अरे आपको समझा क्या, आपको कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा हूं, खाली पूछ रहा था ऑपरेटिंग लीज है फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है, जो भी है फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग लीज आया इधर, तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। तो अपन बोलेंगे सिस्टमैटिक बेसिस अनलेस अनदर सिस्टमैटिक, सो अपन बोलेंगे स्ट्रेट लाइन बेसिस अनलेस अनदर सिस्टमैटिक बेसिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव। डन। इसी के साथ तुम्हारा AS19 होता है स्वाहा। अरे तुमको समझा, स्पीड यही रहने वाला है, तुम्हारा एग्जाम है। मैं वो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जिसको किए बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते। अगर कोई फर्स्ट टाइमर है या जिसने लीज रिवीजन नहीं किया है, आप इतने भी सम्स अगर कर लेंगे, आई एम गारंटिंग यू आपका काम इजीली बन जाएगा। मैं वो सारे सम्स करा रहा हूँ जिसको किए बिना बच्चा एग्जाम में नहीं जा सकता। जिसको किए बिना अगर कोई फर्स्ट टाइमर बच्चा है, वो एग्जाम में अगर चला गया तो उसको दिक्कत हो जाएगी। एम आई वेरी वेरी क्लियर, स्पीड कम नहीं हो सकती, बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने एक बार तो पढ़ा होगा। एक बार अगर नहीं पढ़ा है तो नोट्स में दे रखा है मैंने, आप नोट्स कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। कोई ऐसा लालच नहीं है कि भैया आपको मुझे आपको नोट्स बेचना वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समझा मैंने क्या बोला। हाँ एक चीज़ जरूर कर देना, कमेंट डाउन जरूर कर देना मेरे लिए, उतना प्लीज करना, मुझे वो कमेंट सेव करना अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है इससे वैल्यू एडिशन आपको मिलता है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्टेड रहिएगा, बराबर ना, CA.Aditya Sharma 101 उधर अपन कनेक्टेड रहेंगे। डन डन AS19 स्वाहा। चलो।